वेलकम टू एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के एक और डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में स्टेट बोर्ड में पूछा गया है, क्लियर। ये मैं जब क्वेश्चन पेपर देख रहा था पिछले बैक ईयर का, तो उसमें से ये क्वेश्चन लगा कि नहीं, ये कुछ थोड़ा एक्सेप्शनल है, तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम पे लास्ट लेक्चर होगा न्यूमेरिकल्स का, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में कैंटिलीवर बीम पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग रीड करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो हम लोग प्रॉब्लम लिए थे वो सारा फिगर के अकॉर्डिंग था, डायग्राम के अकॉर्डिंग था। अभी क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज है, ठीक है। इस लैंग्वेज को समझते हुए उसका फिगर ड्रॉ करना है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसलिए भी हम क्वेश्चन थोड़ा एक्सेप्शनल भी है और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर जो हमें ड्रॉ करना है क्या ड्रॉ करना है, तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो ड्रॉ करते हैं, क्लियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 10 मीटर, क्लियर यहाँ तक कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका लेंथ 10 मीटर है। तो सबसे पहले तो सिंपली सपोर्टेड बीम का फिगर बना लीजिए, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका लेंथ कितना गिवन है, तो लेंथ गिवन है 10 मीटर। अब आगे कह रहा है कैरीज टू यूडीएल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना यूडीएल लग रहा है इस पर, टू यूडीएल, यूडीएल का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, टू यूडीएल ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 kN/m, और दोनों यूडीएल का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 kN/m है। और कहाँ पे लग रहा है, मैग्नीट्यूड तो पता है कितना यूडीएल लग रहा है, तो 2 लग रहा है, यानी 2 यूडीएल लग रहा है, और दोनों यूडीएल का मैग्नीट्यूड 2 kN/m है। अब ये लग कहाँ रहा है बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो ओवर अ लेंथ ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बोथ सपोर्ट्स, मतलब दोनों सपोर्ट से 3 मीटर डिस्टेंस पे ये यूडीएल लग रहा है 2 kN/m का, क्लियर। क्वेश्चन को एकदम कांस्टेंट होकर समझिए, बहुत लोगों को क्या होता है कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है तो फिर डायग्राम गलत हो जाता है, ठीक है। जो हम लोग को ड्रॉ करना है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जब आप क्वेश्चन ही नहीं रीड कर पाइएगा तो डायग्राम कहाँ से ड्रॉ कर पाइएगा, क्लियर। तो क्वेश्चन कांस्टेंट होकर समझना है कि यहाँ पे कहा जो रहा है कि जो ये 2 kN/n का जो यूडीएल लग रहा है वो दोनों सपोर्ट से 3 मीटर डिस्टेंस पे लग रहा है, तो दिखा देते हैं। क्लियर, ये 3 मीटर है और ये भी हमारा 3 मीटर है, ठीक है। बाकी ये जो बच गया बीच में ये कितना मीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 10 मीटर है इसका स्पेन का लेंथ, 3 मीटर + 3 मीटर 6 मीटर, तो बचेगा हमारा 10 - 6 = 4 मीटर, क्लियर। बस यही प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड है 2 kN/m, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, 2 kN/m, क्लियर। करना क्या है, तो ड्रॉ शियर फोर्स SF, शॉर्ट में लिखा गया, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स, तो दोनों ड्रॉ कीजिए, क्वेश्चन हमारा यही है। अब इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं हर पॉइंट को, A, B, C, D, और इसके सेंटर का भी नाम दे देते हैं E। चलिए अब हम पॉइंट को मेंशन कर चुके हैं बीम में, तो करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, कुछ नहीं अब यहाँ करना है, बस डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, रिएक्शन फाइंड आउट करने के बाद फिर हम लोग सेक्शन कट करते हुए इंडिविजुअल, मतलब स्पेन का सेक्शन कट करते हुए सारे का शेयर फोर्स डायग्राम, मतलब शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, तो ये हिंज सपोर्ट है हमारा, इस पर कितना रिएक्शन लगेगा, तो 2 रिएक्शन, एक RE हो जाएगा और दूसरा हमारा HA हो जाएगा। इस पर कितना लगेगा, इस पर एक ही रिएक्शन लगेगा, रोलर सपोर्ट है, ओनली RB, ठीक है। तो देखिए यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन,
इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है आपको पता ही है ना, थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, ओनली एच ए, एच ए इज इक्वल टू जीरो। दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, ध्यान दीजिए आर ए, अपवार्ड को हम लोग हमेशा मान के चल रहे हैं, जितना भी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व किए हैं कि अपवार्ड पॉजिटिव मानते तो डाउनवार्ड क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो आर ए ये यूडीएल है, इसके कारण जो हमारा पॉइंट लोड कन्वर्ट होगा, और डाउनवार्ड लग रहा तो माइनस होगा, माइनस टू इंटू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, ये थ्री मीटर पे, ये हमारा पॉइंट लोड हो गया। और उसके बाद कौन सा लोड लग रहा है, तो ये यूडीएल लग रहा है, इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा और डाउनवार्ड है तो माइनस होगा, टू इंटू थ्री, टू इसका मैग्नीट्यूड है और कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, थ्री मीटर पे, क्लियर। दूसरा रिएक्शन हमारा है आर बी प्लस आर बी हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कितना होगा, ऐड कर लीजिए, टू इंटू थ्री सिक्स, और यहाँ टू इंटू थ्री सिक्स, दोनों का साइन सेम है तो माइनस सिक्स और माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, और इक्वल टू के राइट साइड जाएंगे तो प्लस ट्वेल्व, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू ट्वेल्व। अब क्या करना है कि तीसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उसको लेना है, तो टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट बी फ्रॉम ए, इसका मतलब समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से मोमेंट लीजिए बी के अबाउट, तो जिस तरह से हम लोग पहले लेते थे, तो सबसे पहले आर ए इंटू क्या हो जाएगा इसका लेंथ, तो लेंथ कितना है, टेन है, आर ए इंटू टेन क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है यूडीएल के कारण, पहले फर्स्ट यूडीएल के कारण चलते हम लोग, तो माइनस, क्योंकि इसके कारण एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो माइनस टू इंटू थ्री, ये क्या हो गया, पॉइंट लोड हो गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, मोमेंट चाहिए, तो ध्यान दीजिए ये पॉइंट लोड कहाँ एक्ट करेगा, जब यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हो तो कहाँ एक्ट करता है, अपने सेंटर पे, और हमें चाहिए क्या, मान लेते कुछ देर के लिए है इसका सेंटर, ये पॉइंट लोड हो गया टू इंटू थ्री, क्लियर। अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा यूडीएल को पॉइंट लोड में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसका डिस्टेंस कैसे लेते हैं मोमेंट में, तो अभी भी आप समझ सकते हैं कि हमेशा ध्यान में रखना है कि यूडीएल को जब भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो जितने डिस्टेंस पे यूडीएल लग रहा है उतने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या कह ये कि जो यूडीएल का एरिया है वो हमारा पॉइंट लोड कहलाता है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड 2 किलो न्यूटन है और डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 3, तो 2 इंटू 3 हो गया हमारा पॉइंट लोड। अब ये एक्ट कहाँ करेगा, तो यूडीएल के सेंटर पे, और हमें इस सेंटर से इस पॉइंट से यहाँ तक जाना है क्योंकि मोमेंट लेना है ना, तो पॉइंट मतलब अबाउट बी ले रहे हैं मोमेंट, तो बी तक पहुँचना है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये कर सकते हैं हम, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 बाई 2 होगा ना, तो ये वाला डिस्टेंस पूरा कितना होगा बताइए, बताइए क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ से हम 10 माइनस 3 बाई टू लिख सकते हैं ना, ये डिस्टेंस बस। तो या फिर ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं इसका डिस्टेंस कि ये यहाँ तक पहुँचने के लिए इसका हाफ करते थे ना, तो ये 3 बाई टू, ये डिस्टेंस 3 बाई टू, अब प्लस ये वाला डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3, क्लियर। किसी साइड से भी मतलब जैसे भी आपको लेना हो, पूरा डिस्टेंस ये है और हमें चाहिए इतना डिस्टेंस, तो इतना माइनस इतना कर दीजिए, ये ले लीजिए, या फिर यहाँ से यहाँ ले लीजिए डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, इंटू 3 बाई 2 और प्लस 7, इतना ही होगा। चलिए अब आगे इसको मिटा दे रहा हूँ, ये समझाने के लिए मैं दिखाया था आपको, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर अब ये वाला यूडीएल, तो ये वाला यूडीएल तो आसान है, जिस तरह से आप करते हैं, तो 2 इंटू 3 और इसका हाफ हो जाएगा इंटू 3 बाई 2, क्योंकि हाफ करेंगे तो इस पॉइंट तक हम लोग पहुँच ही जाएंगे 3 बाई 2 का आधा, और ये एक्ट कहाँ करेगा, तो इसका सेंटर ये है, क्लियर। चलिए अब क्या होगा, इज इक्वल टू जीरो। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आर ए इंटू 10 और यहाँ हो जाएगा माइनस 6 इंटू, सॉल्व कीजिए इसको, 17 बाई 2, फिर माइनस 6 इंटू 3 बाई 2 इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, आर ए
इंटू 10 माइनस 51 और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आर ए हमारा आ जाएगा 51 और माइनस 9 दोनों को ऐड करेंगे 60 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 6 किलो न्यूटन आर ए आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर का भी जरूरत पड़ा कहीं? कहीं भी कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है जब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो। हल्का फुल्का कहीं पे जब हमारा आ सकता है पॉइंट में तो वहाँ जरूरत पड़ सकता है, बाकी कहीं जरूरत नहीं है। आर इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन। अब आर भी निकाल लें तो आर भी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से ही निकलेगा ना आर भी, तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 12 और आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस आर ए, ये होगा ना। फिर 12 माइनस आर ए, आर ए का रिजल्ट कितना है 6, तो ये भी हमारा 6 किलो न्यूटन आ चुका है। तो आर ए का रिजल्ट भी 6 किलो न्यूटन है, आर बी का भी रिजल्ट 6 किलो न्यूटन है, ये आ चुका है। बस अब क्या करेंगे, अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मतलब डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। रिएक्शन तो निकाल चुके हैं, क्वेश्चन भी मिटा रहा हूं मैं। चलिए अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कौन से स्पेन के लिए चलेंगे, यहां पे कितना सेक्शन कंसीडर होगा ध्यान दीजिए, एक एसी के बीच में होगा, दूसरा सीडी के बीच में कहीं भी होगा, तीसरा डीबी के बीच में, तीन सेक्शन यहां भी कंसीडर होगा। अब देखिए चलते हैं फोर स्पैन एसी। जब एसी के लिए चलेंगे तो यहां लैंग्वेज लिखते हैं कंसीडर अ सेक्शन एक्स एक्स बिटवीन ए एंड सी एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए। चलिए अब सेक्शन कंसीडर कीजिए, सेक्शन को कट कीजिए, यहाँ दिखाइए आप सेक्शन, ये सेक्शन है ना, इस सेक्शन का नाम है एक्स एक्स, ठीक है, इस सेक्शन का नाम है एक्स एक्स। ये कितने डिस्टेंस पे कट हो रहा है फ्रॉम सपोर्ट ए, एक्स डिस्टेंस पे। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ दिखा दीजिए, ये है ना, ये रिएक्शन लग रहा आ रही, ठीक है, ये रिएक्शन आ रहे हैं और इस पे यूडीएल लग रहा है जहाँ तक सेक्शन कट किए हैं। ये सेक्शन हमारा एक्स एक्स है और कितने डिस्टेंस पे सपोर्ट से एक्स डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट का नाम ए है, इसका मैग्नीट्यूड 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, और कुछ है नहीं है और कुछ। चलिए अब हम लोग सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, सबसे पहले शियर फोर्स के लिए चलेंगे फिर बेंडिंग मोमेंट के लिए चलेंगे, तो चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका नीचे आइए, ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए फिर यहाँ आइए, फोर शियर फोर्स। जब शियर फोर्स का जनरल इक्वेशन लिखेंगे अबाउट सेक्शन एक्स एक्स, क्या लिखेंगे, सबसे पहले आ रहे अपवार्ड है, लेफ्ट से चल रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, फिर हमारा डाउनवार्ड यूडीएल है तो ये माइनस हो जाएगा, 2 इंटू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है तो x डिस्टेंस पे लग रहा है 2 इंटू एक्स। आर का रिजल्ट कितना है, कितना मैग्नीट्यूड आया 6 किलो न्यूटन, ठीक है, तो आर ए 6 माइनस 2 इंटू एक्स, ये जनरल इक्वेशन आ गया शियर फोर्स का। इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा देख लीजिए, स्पैन एसी के लिए चल रहे हैं ना तो 0 से लेकर के 3 तक, 0 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 3, ठीक है, पुट कीजिए व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 देन शियर फोर्स एट ए क्या हो जाएगा 6 किलो न्यूटन, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा तो 6 ही बचेगा 6 किलो न्यूटन। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन सॉरी 3 मीटर देन शियर फोर्स एट सी कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन में पुट कीजिए 3 एक्स के प्लेस पे 6 माइनस 2 इंटू 3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ रहा है, क्लियर। चलिए तो हमारा शियर फोर्स निकल चुका है, अब इसी फ्री बॉडी डायग्राम के लिए बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखते हैं, तो चलते हैं हम लोग फोर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मोमेंट अबाउट एक्स एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए आर ए के कारण क्या हो रहा है,
सैगिंग हो रहा है ना पॉजिटिव, तो आर ए इन टू एक्स, फिर यूडीएल के कारण फॉगिंग हो रहा है तो माइनस टू इन टू एक्स इन टू एक्स बाई टू। क्लियर? अब आपको यहाँ पे जो अभी नए देख रहे होंगे, हो सकता फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे सैगिंग और हॉगिंग समझ में नहीं आ रहा होगा, तो पिछले वीडियो में हम लोग इसके पिछले वीडियो में पूरा क्लियर कर चुके हैं सैगिंग कैसा होता है और हॉगिंग कैसा होता है। सैगिंग जब होने के कारण हमारा पॉजिटिव नेचर का होता है और हॉगिंग होने के कारण नेगेटिव नेचर का होता है। ठीक है, तो चलिए उसको आप जाके देखिए और फिर समझिए। यहाँ से कट हो जाएगा टू इंटू टू, बचेगा क्या, आर का रिजल्ट सिक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वेरिएशन वही होगा जीरो लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू थ्री। अब पुट कीजिए, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो देन मोमेंट एट ए इज इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स इज इक्वल टू थ्री देन मोमेंट एट सी। पुट कीजिए इसमें एक्स सिक्स इंटू थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर, ये क्या हो गया 18 माइनस नाइन मतलब 9 किलो न्यूटन मीटर, ये आ रहा है बेंडिंग मोमेंट एट सी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा सेक्शन कहाँ कंसिडर होगा, तो बिटवीन सी एंड डी, तो फोर स्पेन सी डी देख लीजिए, ये सी और ये डी, ये सी डी स्पेन है। ठीक है, इसके लिए जब चल रहे हैं तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कहीं भी सी और डी के बीच में कहीं भी ले लीजिए, ये सेंटर है ई, इसीलिए हम एक पॉइंट ले लिए हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है नहीं, बस सेंटर होने के कारण ले लिया हूँ कि इस पॉइंट पे भी हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो सी और डी के बीच में कहीं भी सेक्शन कट कर लीजिए, एक्स एक्स कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम सपोर्ट ए। चलिए अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बनाइए, ये हो गया, ये सेक्शन है हमारा एक्स एक्स, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, ये रिएक्शन आर ए लग रहा है 6 किलो न्यूटन का, और ये डिस्टेंस 3 मीटर है, और ये सेक्शन जो है वो एक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम सपोर्ट ए। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 2 किलो न्यूटन पर मीटर है। और कुछ है फ्री बॉडी डायग्राम में, देखिए इससे पहले जितना है वो हम लोग वहाँ ड्रॉ कर लेना है, तो इतना ही है, सारा मेंशन कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं शेयर फोर्स के लिए, तो शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन एक्स एक्स फोर स्पेन सी डी क्या हो जाएगा, सबसे पहले आर ए, फिर माइनस टू इंटू थ्री, यहाँ पे तो डायरेक्ट टू इंटू थ्री हो जाएगा क्योंकि सेक्शन कट कर रहे हैं मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पिछले केस में क्या हुआ था कि टू इंटू एक्स हुआ था क्योंकि एक्स ही था उसका डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे यूडीएल जो लग रहा है वो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 3 मीटर पे, तो डायरेक्ट उसका जो पॉइंट लोड कन्वर्ट हुआ यूडीएल से वो 2 इंटू 3 मतलब जो यूडीएल का एरिया है वो पॉइंट लोड हो जाएगा। क्लियर? और तो कोई लोड नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो यहाँ रखिए आर ए के प्लेस पे 6 और माइनस 6, ये जीरो हो जाएगा। अब इसका वेरिएशन शेयर फोर्स जो जीरो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो वो हो रहा है 3 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 7 तक हो रहा है। अब इसको पुट कीजिए, यहाँ पे पुट करते हैं, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3 देन शेयर फोर्स एट सी होगा ना, क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 7 देन शेयर फोर्स एट डी, ये भी जीरो ही होगा। क्लियर? जब हमारा शेयर फोर्स आ चुका है, अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकाल लें, तो यहाँ पे ही निकाल लेते हैं बेंडिंग मोमेंट, फोर बेंडिंग मोमेंट। चलिए मोमेंट अबाउट एक्स एक्स क्या लिखिएगा, मोमेंट अबाउट एक्स एक्स क्या लिखिएगा इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए, तो लिख लीजिए आर ए इंटू एक्स, ठीक है सेक्शन हमारा ये है, माइनस टू इंटू थ्री, ये हमारा पॉइंट लोड हो गया। अब ये पॉइंट लोड कहाँ एक्ट करेगा, अपने सेंटर पे, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्योंकि ये सेक्शन के अबाउट मोमेंट लेना है, तो
तो ये पूरा एक्स है और ये अगर हम 3/2 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पे होगा तो 3/2 होगा ही, तो एक्स माइनस 3/2 करेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा ना, दिख रहा है हमारा फिंगर, चलिए तो एक्स माइनस 3/2, एक्स माइनस 3/2, ठीक है। अब आरे का रिजल्ट कितना है, 6 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3/2, इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इसका वेरिएशन वही है 3 < x < 7। अब पुट कीजिए, पुट मैं कहाँ करूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन मोमेंट एट सी पुट कीजिए, ये जनरल इक्वेशन है ना, 6 × 3 माइनस इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, माइनस 6 × 3 माइनस 3/2, 3 - 3/2, ये हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, MC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × 3 माइनस 6 × 3 माइनस 3/2, क्लियर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 18 और माइनस 6 × 3 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा, 3/2 ही हो जाएगा, इसको कैंसिल कीजिए, ये हमारा आ रहा है 9 kN मोमेंट एट सी, और पिछले केस में भी मोमेंट एट सी 9 kN आया होगा, देख लीजिए है ना, दोनों मैच करा लीजिए। अब सेकंड पॉइंट, व्हेन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 देन मोमेंट किस पॉइंट का हो जाएगा, जब 7 होगा डिस्टेंस तो डी पॉइंट का, तो देन एम डी इज इक्वल टू पुट कीजिए जनरल इक्वेशन में, 6 × 7 माइनस 6 × 7 माइनस 3/2, 6 × 7 कितना हो जाएगा, 42 माइनस 6 × इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 माइनस 3/2 कितना होगा, 11/2, तो ये आ जा रहा है हमारा 42 माइनस 33, ये भी 9 kN आ जा रहा है, क्लियर। ये भी हमारा 9 kN आ रहा है MD, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन कहाँ कंसीडर करें हम लोग, तो यहाँ पे कर लेते हैं सेक्शन कंसीडर, यहाँ पे ही करते हैं, चलिए अब चलेंगे हम लोग कौन से स्पैन के लिए, तो फोर स्पैन डीबी के लिए। अब इसका सेक्शन कट कीजिए, ये सेक्शन हमारा एक्स एक्स है और कितने डिस्टेंस पे फ्रॉम सपोर्ट है, एक्स डिस्टेंस पे दिखा दीजिए। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। इस पर रिएक्शन लग रहा आर ए 6 kN, UDL लग रहा है ये 3 m डिस्टेंस पे UDL है, ये मैग्नीट्यूड 2 kN/m है, और क्या लग रहा है, और ये स्पेस खाली है, बाकी यहाँ UDL लग रहा है जहाँ सेक्शन कट किए, ये एक्स एक्स सेक्शन है, ये डिस्टेंस हमारा एक्स है और ये वाला डिस्टेंस 4 m है, क्लियर। इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम सी है और इस पॉइंट का नाम डी है, कोई दिक्कत, देख लीजिए यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम इसी को यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं, दिखा दिए आपको ए सी डी, ठीक है। UDL भी हो गया और इसका भी मैग्नीट्यूड जो है ये भी है 2 kN/m, ठीक है। ये सेक्शन हमारा एक्स एक्स है। चलिए अब हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों कैलकुलेट करते हैं, कर लीजिए। तो चलते हैं पहले, सबसे पहले फोर शियर फोर्स
फोर्स, शेयर फोर्स, ठीक है। तो शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन एक्स एक्स कितना हो जाएगा, देख लीजिए, आर ए अपवार्ड है तो पॉजिटिव, लेफ्ट से चल रहे हैं, फिर यूडीएल के कारण माइनस 2 × 3, फिर ये इस यूडीएल के कारण माइनस 2 × ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा x है और ये पूरा 7 है, तो x माइनस 7 हो जाएगा, और कुछ होगा नहीं ना। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आर कितना है, 6 है, माइनस 6 माइनस 2 × x माइनस 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस 2 × x माइनस 7, ये बच रहा है। इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 7 से 10 तक, 7 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 10, ये इसका वेरिएशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पुट कीजिए, क्यू एन एक्स इज इक्वल टू 7 देन शेयर फोर्स एट डी, ये कितना होगा, यहाँ 7 पुट कीजिए इस जनरल इक्वेशन में, 7 माइनस 7 जीरो हो जाएगा, 0 × 2 जीरो ही होगा, क्लियर। अब इसके लिए वेन x इज इक्वल टू 10 देन शेयर फोर्स एट बी, ये कितना होगा, यहाँ पे 10 पुट कीजिए तो माइनस 2 × 10 माइनस 7, तो 10 माइनस 7 3, 3 × 2 यानी माइनस 6 किलो न्यूटन, ये आ रहा है शेयर फोर्स एट बी, माइनस 6 किलो न्यूटन, क्लियर। चलिए अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं इस फिगर के लिए, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ नीचे कैलकुलेट करते हैं। ये जो शेयर फोर्स कैलकुलेट करके हम लाए हैं, इसको मैं साइड में कहीं राइट अप कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जरूरत पड़ने वाला है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो शेयर फोर्स एट ए कितना आया है, 6 किलो न्यूटन, और शेयर फोर्स एट सी ये कितना आया, ये जीरो आया, ठीक है। अब इसको मिटा दीजिए, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं फोर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए जब चलेंगे तो मोमेंट का इक्वेशन लिखिए, फ्री बॉडी डायग्राम है, ध्यान दीजिए, यहाँ मोमेंट अबाउट एक्स एक्स क्या हो जाएगा, आर ए यानी 6 इंटू एक्स, इसके कारण क्या होगा, सैगिंग होगा, फिर ये यूडीएल है 2 × 3, अब इसका सेंटर एक्स से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये पूरा एक्स है, और एक्स में जब इसको 3/2 से माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा ना, तो इंटू एक्स माइनस 3/2 मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा यूडीएल ये वाला है, अब इसके कारण तो ये हो जाएगा माइनस 2 मैग्नीट्यूड है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अभी दिखाए थे ना, ये पूरा x है, ये पूरा 7 है, तो x माइनस 7 यहाँ लिखे थे ना, x माइनस 7, तो इंटू एक्स माइनस 7 ये क्या हो गया, 2 × x − 7 यूडीए, ये पॉइंट लोड हो गया, अब हमें मोमेंट लेना है, तो इंटू एक्स माइनस 7 बाय 2 हो जाए, हाफ हो जाएगा इसका, एक्स माइनस 7 बाई 2, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिए, 6x माइनस 6 एक्स माइनस 3/2 और इंटू माइनस 2 एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर बाय 2, ये आ रहा है। अब इसका हर पॉइंट पे, मतलब डी और बी पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकाल लें, इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 7 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 10। बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं, कहाँ निकाले बेंडिंग मोमेंट, हमारा बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन इस पेन डीवी के लिए जनरल इक्वेशन इतना आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट पॉइंट डी एंड बी पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू, ये वेरिएशन क्या है, 7 से 10 तक, तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 7 देन बेंडिंग मोमेंट एट डी ये कितना हो जाएगा, तो 6 × x के प्लेस पे 7 पुट कर दें, तो ये हो गया हमारा, और माइनस 6 × 7 माइनस 3/2, फिर माइनस 2 × 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर बाई 2,
क्लियर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 6 × 7 = 42 माइनस 6 × 7 − 3/2 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके बताइए। 7 × 2 = 14 − 3 = 11/2 और इधर तो 7 − 7 = 0 हो जाएगा, तो −0 इससे कैंसिल होगा 6 3 times में, तो बचेगा कितना 42 − 11 × 3 = 33। तो जब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 9 kN आ रहा है मोमेंट एट डी फॉर स्पेन डीवी के लिए। अब हम लोग निकाल लें मोमेंट एट बी, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10 देन मोमेंट एट बी ये कितना हो जाएगा, तो पुट कीजिए जनरल इक्वेशन में। जनरल इक्वेशन हमारा ये है, दिख रहा है आपको, इसमें पुट कीजिए, ये हो जाएगा 6 × 10 − 6 × 10 − 3/2 − 2 × 10 − 7 2/2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इसका रिजल्ट आएगा 0। क्लियर। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा आ चुका है, शेयर फोर्स भी आ चुका है, तो अब हम लोग क्या करें, तो अब हम लोग बेंडिंग शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लें। क्लियर। चलिए तो हमारा शेयर फोर्स का रिजल्ट क्या आया था स्पेन एसी के लिए, आप पीछे भी जाकर के देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में राइटअप कर लिया हूँ कि स्पेन एसी के लिए ए पे जो शेयर फोर्स आया है वो 6 kN है, सी पे 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा जनरल फिगर है, इसके हिसाब से हम लोग एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, पहले डॉटेड लाइन नीचे इसको खींच लेते हैं। हमेशा जब भी ड्रॉ कीजिएगा शेयर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो लास्ट में ये फिगर ड्रॉ करके इसके अकॉर्डिंग जो हमारा पॉइंट जितना पॉइंट है उससे डॉटेड लाइन नीचे ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर रेफरेंस लाइन खींच लीजिएगा। तो ये हमारा रेफरेंस लाइन है शेयर फोर्स का। अब क्या करना है कि शेयर फोर्स ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे हमारा शेयर फोर्स कितना आया था, देख लीजिए आप, 6 kN आया था, तो दिखा देते हैं कि ए पॉइंट पे जो है हमारा ये 6 kN है। क्लियर। अब सी पॉइंट पे कितना आया है, तो 0 आया है, 0 का मतलब रेफरेंस लाइन पे ही ये पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है। अब सी डी स्पेन के लिए ये पॉइंट का नाम क्या है, ए है, ये इस पॉइंट का नाम बी है, ये सी है और ये डी है, और इसका सेंटर जो था वो ई पॉइंट है। क्लियर। तो चलिए अब हमारा सी डी स्पेन के लिए इस सी पॉइंट पे कितना है शेयर फोर्स, 0 है, और डी पॉइंट पे भी 0 है, इसका मतलब यहाँ भी रिफरेंस लाइन पे जो हमारा उसी पे लाई करेगा, सी और डी दोनों पे, स्पेन सी डी के लिए। क्लियर। अब स्पेन डी वी के लिए चलते हैं कि शेयर फोर्स का रिजल्ट क्या आया है। तो स्पेन डी वी में देख लीजिए, स्पेन डी पे 0 है कैलकुलेट होकर के आया है, और स्पेन डी पे माइनस सिक्स का मतलब हम लोग नीचे रिफरेंस लाइन से नीचे ड्रॉ करेंगे, और इसका रिजल्ट कितना है 6 kN। क्लियर। अब इसको ड्रॉ कर लीजिए, मिला लीजिए लाइन को, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये तो इसी लाइन पे मिलेगा रेफरेंस लाइन पे ही, फिर ये हमारा ये हो गया, तो ये SFD ड्रॉ हो चुका है, ये पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। ये क्या क्या ड्रॉ हुआ, शेयर फोर्स डायग्राम, SFD जिसको कहते हैं। तो ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लें, चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा रेफरेंस लाइन है। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना आया था, आप पीछे भी जाके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ को, स्पेन एसी के लिए बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना 0 है, और सी पे 9 kN। तो स्पेन मतलब पॉइंट ए पे स्पेन एसी के लिए 0 का मतलब रेफरेंस लाइन पे हमारा बेंडिंग मोमेंट लाई कर रहा है, सी पे कितना है 9 kN, तो दिखा दीजिए, ये हमारा 9 kN है, 9 kN,
ठीक है। स्पेन सीडी में सी पे 9 किलो न्यूटन मीटर, स्पेन एसी में भी सी पे 9 किलो न्यूटन मीटर, दोनों तो सेम होगा ही, ठीक है, क्योंकि पॉइंट सेम है और बेंडिंग मोमेंट तो सेम होता ही है, ठीक है। डी पे भी 9 किलो न्यूटन आया है, तो डी पे भी दिखा दीजिए कि ये जो रिजल्ट है हमारा वो 9 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इस फॉर स्पेन डी वी के लिए तो अभी हम लोग फाइंड आउट किए जस्ट डी वी के लिए, तो आप देख लीजिए कि डी पे जो आया है हमारा बेंडिंग मोमेंट डी, डी पे कितना है 9 किलो न्यूटन ही मीटर आया है और बी पे 0 आया है। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि डी पे 9 किलो न्यूटन मीटर और बी पे 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि जो डायग्राम ड्रॉ होगा ए टू सी स्पेन ए सी के लिए के बीच में जो ड्रॉ होगा डायग्राम वो पाराबोलिक होगा या स्ट्रेट लाइन होगा, ये आप बताइए। ये पाराबोलिक होगा, इसका जनरल इक्वेशन मैं राइट कर चुका हूँ, आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं कि वो एक किसका इक्वेशन आ रहा है, तो वो एक इक्वेशन जो आ रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कारण क्या होता है हमारा कर्व बनेगा डायग्राम, या तो फिर पारा जिसको हम लोग पाराबोलिक भी कहते हैं, तो दिखा दीजिए ये हमारा कर्व है, क्लियर, जिसको हम लोग पाराबोलिक भी कहते हैं, लिख दीजिए यहाँ पे पाराबोलिक, क्लियर। अब स्पेन सी डी के लिए ये पूरा स्ट्रेट लाइन होगा और कांस्टेंट है क्योंकि दोनों पॉइंट पे 9 किलो न्यूटन मीटर ही आ रहा है। फिर स्पेन डी वी के लिए अभी देख लीजिए यहाँ जनरल इक्वेशन इसका क्या आया है, एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका जो डायग्राम ड्रॉ होगा वो पाराबोलिक होगा यानी कर्व होगा, क्लियर। तो ये इस तरह का ड्रॉ हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी पाराबोलिक है, पाराबोलिक, क्लियर। ये पूरा पॉजिटिव है, इसको हैच कर दीजिए। तो इस तरह से हमारा बीएमडी यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ हो चुका है। चलिए तो हम ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम था सिंपली सपोर्टेड बीम में, जो एग्ज़ाम में पिछले से 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। इसको हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब अगले क्लास में जो हम लोग मिलेंगे वो कैंटिलीवर बीम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कैंटिलीवर बीम को देख के आइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।